फ्रेंड्स, माय सेल्फ विशाल कुमार और आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 15 नंबर का पूछा जाता है पेपर वन में, वो जानेंगे। तो इससे पहले ऑब्जेक्टिव किस तरीका से पूछता है, 15 पूछता है, आप ये 15 क्वेश्चन बनाइए। जैसे जूलॉजी ऑनर्स पेपर वन का देख रहे हैं, यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 15 नंबर का पूछा जाता है। और ये देख सकते हैं 1 से लेकर 15 तक यहाँ, या आप वो 15 बनाने का मन नहीं है तो आप राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फ्लोइंग, और चाहे इसमें से आप 3 के बारे में नोट्स लिख दीजिए, ये 15 नंबर का हो जाएगा, चाहे आप 15 वो ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। तो इस तरीके से केवल दोनों में से कोई एक ही आप कर सकते हैं, 15 ऑब्जेक्टिव बनाइए या इस पर नोट्स लिखिए, तो जो मन वो कीजिए। और यहाँ पर हम 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने जा रहे हैं। और एक ये गुजारिश है कि आप ये पूरा लगभग 100 क्वेश्चन है इसमें, ये 100 क्वेश्चन देखने के बाद आप ये 2021 का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए कितना बनता है। अगर कम से कम 13-14 मिल रहा है क्वेश्चन, मतलब यही सबसे, तो आप निश्चित रहिए कि वो भी आपको लगभग एग्जाम में भी 13-14 या 15 के आसपास ज़रूर मिल ही जाएगा वहाँ पर भी। और इस यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा ये बनाने में, इसलिए ये भी बात है, आप आराम से PDF डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से और खुद पढ़ लीजिए अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव यही करके जाइए, या आपके गेस पेपर में है वो भी करके जाइए, तो ये गेस पेपर का ही हम बता रहे हैं, तो यही है। और यहाँ पर हम आप पढ़ने जा रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जैसे यहाँ पर है ये हम पहले बताया कि आप नोट से ही पढ़ सकते, बहुत समय लगेगा, और यहाँ पर हम ऐसा कोशिश करेंगे कि इसी समय आपको ये याद हो जाए, तो इसलिए बहुत देरी लगेगा 100 क्वेश्चन में ही, तो आप देख ही लिए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ये सभी में से आपको करेक्ट आंसर खोजना है। जैसे क्लाजर इज कॉज्ड बाय, क्लाजर जानते हैं कि एक तरीके से डिजीज है, वो किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है लेशमिनिया डोनोवानी, तो लेशमिनिया डोनोवानी से क्लाजर फैलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी, इसमें जितना है सभी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। द बक्कल सिलिएचर ऑफ पैरामीशियम इज बेसेट विद, मतलब किसके बक्कल सिलिएचर पैरामीशियम में जो होता है वह किसके नज़दीक या उसे कौन चीज़ सटा होता है, तो बोथ क्वाड्रुलस एंड पेनिकुलस। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से पूछा जाता है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर वाला भाग से ही आता है क्वेश्चन। तो बक्कल सिलिएचर और पैरामीशियम के बारे में बात करें तो ये क्वाड्रुलस एंड पेनिकुलस होता है इसका आंसर। द टोटिपोटेंट सेल इन साइकोन, तो टोटिपोटेंट सेल साइकोन में जो होता है वह मायोसाइट होते हैं, मायोसाइट ही टोटिपोटेंट सेल होते हैं साइकोन में। टोटिपोटेंट का ही मतलब होता है कि उस सेल से और अदर सेल बनना, चाहे कोई भी बस एक से ज़्यादा वो होने की क्षमता को ही हम टोटिपोटेंट कहते हैं, तो ये मायोसाइट्स होते हैं, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। इन ओवेलिया कॉलोनी ब्लास्टोस्टाइल्स इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग फंक्शन, तो ओवेलिया में जो ब्लास्टोस्टाइल होते हैं वह रिलेटेड कौन फंक्शन से होते हैं, तो ब्लास्टोस्टाइल ये रिप्रोडक्शन करने मदद करता है, तो न्यूट्रिशन के लिए अलग होता है, लोकोमोशन के लिए अलग और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए अलग, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए ब्लास्टोस्टाइल ही फेमस है, मतलब वो क्वेश्चन में आता है अधिकतर। अब यहाँ पर है कि इन ओवे द नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन ऑरेलिया इज, टेंटिकल्स में ऑरेलिया मतलब ऑरेलिया में टेंटिकल्स पाया जाता है वह 4 है, तो ये सब याद रखना, बस याद अभी हो जाएगा, बस ध्यान से सुनेंगे। तो द नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन ऑरेलिया इज 4। द ऑर्गेन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस इन टीनोफोरा, टीनोफोरा में ऑफेंस एंड डिफेंस ऑर्गेन क्या है, तो ये कोलोब्लास्ट सेल है, कोलोब्लास्ट सेल ही टीनोफोरा में ऑफेंस एंड डिफेंस का वर्क करता है, मतलब एक तरीके से सुरक्षा खुद करने के लिए उसमें ये ऑर्गेन होता है कोलोब्लास्ट सेल, वही इसको रक्षा करता है। द इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन ब्रांचेज इन इंटेस्टाइन, 3 ब्रांच में इसमें से किसका बटा होता है, तो प्लेन एरिया का बटा होता है। देख रहे हैं ये भले हम लोग के सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसमें से आता है, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बुक को भी पढ़ना। तो द यहाँ पर इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड, इंटेस्टाइन 3 ब्रांचेज में डिवाइड होता है, वो है प्लान एरिया का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज, एस्केरिस का बॉडी कैविटी हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉडी कैविटी एस्केरिस का स्यूडोसील होता है। स्यूडोसील समझते होंगे कि इसमें इक्टोडर्म और इंडोडर्म प्रेजेंट होता है और मेजोडर्म के बजाय वहाँ पर मेजोग्लिया होता है। बोट्रियोइडल टिश्यू इज फाउंड इन, तो ये पाया जाता है हिरुडिनेरिया में पाया जाता है। तो ये हम लोग को अभी पढ़ेंगे भी हीमोसिलेमिक सिस्टम इन ये लीच, तो वो तो देखेंगे वीडियो। तो यहाँ पर इस तरीके का सेल हिरुडिनेरिया में पाया जाता है, बोट्रियोइडल टिश्यू इज फाउंड इन, तो ये हिरुडिनेरिया देख ही लिए कहाँ हिरुडिनेरिया में। और इसमें ये खास बात ये है कि यह दो जो मसल्स लेयर होते हैं मतलब पैरेन्काइमेटस और कोलेन्काइमेटस भी पाया जाता है इसमें, तो वही ये पाया जाता है। अब फिर नेक्स्ट है कि ऑस्फेरेडियम इन पीला ग्लोबोसा इज, ऑस्फेरेडियम पीला ग्लोसा में क्या है, तो यह देखेंगे तो केमोरिसेप्टर होता है ऑस्फेरेडियम में, और इसी के द्वारा ऑस्फेरेडियम के द्वारा ही पीला वो केमिकल को रिसेप्ट करता है और कहीं कहीं जाने से मतलब वो जाने वाला रहता है तो वह रुक जाता है। तो ऑस्फेरेडियम यही काम करता है, केमिकल्स कोई भी हो उसको रिसेप्ट करता है, यानी कि सेंस ऑर्गेन की तरह काम करता है ऑस्फेरेडियम। पर्ल ऑयस्टर बिलोंग्स टू क्लास, वह कौन से क्लास से आता है, तो पेलीसाइपोडा, पेलीसाइपोडा से यह आता है पर्ल ऑयस्टर। तो इसमें सभी के बारे में थोड़ा ना थोड़ा आप जाने होंगे ही, इंसेक्टा क्लास के बारे में, गैस्ट्रोपोडा के बारे में, एम्फीन्यूरा के बारे में और पेलीसाइपोडा के बारे में। तो पेलीसाइपोडा में आता है पर्ल ऑयस्टर। लाइमुलस बिलोंग्स टू क्लास, तो लाइमुलस पता है ये क्लास बिलोंग करता है मीरोस्टमाटा में। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, जो लगे कि हाँ एक बार सुनने से याद नहीं हुआ तो इसको आप लिख भी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे लाइमुलस का ये क्लास हो गया मीरोस्टमाटा और पर्ल ऑयस्टर का क्लास हो गया पेलीसाइपोडा। द पिगमेंट हीमोसाइनिन इज फाउंड इन, हीमोसाइनिन किस में होता, तो ये हम लोग को पता है कि यह मोलस्का में पाया जाता है, इसीलिए तो उस ये मोलस्का में हीमोसाइनिन पाया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है कि बाई पाइनेरिया लार्वा इज फाउंड इन, तो इसका नाम याद रखना इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्माटा का ये लार्वा है, इकाइनोडर्माटा का ये आप जरूर अगर ये भी कोशिश करेंगे जितने भी लार्वा हैं, लार्वा से तो हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछता है शायद हर वर्ष, इसीलिए लार्वा वाला लगभग एक डेढ़ पेज का होगा वो आप याद कर लेंगे कहीं से खोज कर तो अच्छा रहेगा। ट्यूब फीट इज द लोकोमोटरी ऑर्गेन ऑफ, ट्यूब फीट लोकोमोशन का काम करता है, जो ट्यूब होता है यानी कि उसका पैर की तरह वर्क करता है, ट्यूब रहता है, तो वो ऑर्गेन किस में होता है, तो वह स्टार फिश में ये होता है, स्टार फिश ही ट्यूब फीट लोकोमोटरी उसका ऑर्गेन होता है। सिलोन्ट्रेट्स आर, सिलोन्ट्रेट्स हम लोग को पता है यह डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ये सब ऑब्जेक्टिव है, नॉर्मल है, बस इसको खुद से पढ़ सकते, नहीं तो ध्यान से सुनिए, जो लगेगा कि भारी है तो उसको आप आराम से कॉपी में लिख लीजिएगा। सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा इज, तो इसका आंसर एस मतलब एस्कॉन टाइप होगा, यहाँ पर ओ एस्कॉन, तो यहाँ पर ई देख रहे यहाँ पर स्पेलिंग एस्कॉन होगा तो ये गलत लिखा हुआ, एस्कॉन टाइप होता है सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, तो ये एस्कॉन टाइप होता है। निमाटोसिस्ट इज अब्सेंट इन, निमाटोसिस्ट किस में अब्सेंट होता है, तो ये हॉर्मीफोरा में अब्सेंट होता है, बाकी हाइड्रा ऑरेलिया ओवेलिया ये सब सिलोन्ट्रेटा का है, तो सिलोन्ट्रेटा का मेन कैरेक्टर होता है कि निमाटोसिस्ट प्रजेंट होना, तो ये सब सिलोन्ट्रेटा का है इसलिए निमाटोसिस्ट प्रजेंट होता है और हॉर्मीफोरा में ये अब्सेंट होता है। फिर विच वन इज स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट हम लोगों को पता है कि निमेटोडा होता है, निमेटोडा को हम एस्क हेलमेंट्स भी कहते हैं, तो उसी में स्यूडोसिलोमेट पाया जाता है। पारापोडिया इज फाउंड इन, तो पारापोडिया फेमस है, ये नेरिस में पाया जाता है पारापोडिया। फिर द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैकल इज इन प्रोटोजोआ इज,
फंक्शन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या होता है? तो ये ऑस्मोरेगुलेशन का वर्क करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का वर्क होता है ऑस्मोरेगुलेशन। ये सब बहुत बार पूछता है। पारापोडिया नेरिस में पाया जाता है। पारापोडिया का वर्क ही है वह चलने में मदद करना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स इन। पॉलीमॉर्फिज्म का ही मतलब होता है कि वह बॉडी को अनेक मतलब अपने जीवन चक्र में बहुत बार चेंज करना, तो वह पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो ये हमें दिखाई देता है डी में, ल्यूसीमेरिया में। तो ल्यूसीमेरिया में ऐसा हमें दिखाई देता है। तो बस याद रखना है बाद बाकी जोएंथस, एलसायनियम, हेलिस्टेमा, तो ये सब में नहीं होता है। पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स इन ल्यूसीमेरिया, तो ये सब लिख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और डैश देकर लिख देंगे ल्यूसीमेरिया, तो ये आपको ध्यान रहेगा। विच वन इज एन इंसेक्ट, तो ये तो बहुत ही आसान है, तो फिर भी यहाँ पर इतना मुश्किल भी है, देख सकते। गोल्ड फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश। तो कटल फिश ऑर्थ्रोपोडा में आता है, ये एग्जाम्पल याद किए होंगे, तो देख सकते ये इंसेक्ट है। तो एन इंसेक्ट क्या हो गया? कटल फिश है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। तो इंसेक्ट एक तरीके से कटल फिश, मछली होने के बाद भी यह इंसेक्ट है। द यूनिट ऑफ कंपाउंड आई ऑफ एन इंसेक्ट, तो इसका यूनिट है ओमाटेडियम। ओमाटेडियम यहाँ पर है यूनिट ऑफ कंपाउंड आई इंसेक्ट का। बाद बाकी रेटिना, रड्स एंड कॉन्स, कॉर्निया, ये सब तो ह्यूमन में पाया जाता है। तो ओमाटेडियम कंपाउंड आई का यूनिट है इन इंसेक्ट। द लार्वा ऑफ एस्ट्रियोडिया इज, तो एस्टीरोडिया का लार्वा का नाम पता होना चाहिए। ब्रैकियोलेरिया है लार्वा का नाम। तो जितने भी लार्वा बना वो तो आप आसानी से लिख लें, क्योंकि हर साल एक ना एक आ ही जाता है। द लार्वा ऑफ एस्टीरोइडिया का लार्वा है यहाँ पर ब्रैकियोलेरिया। अब है सेगमेंटेशन वाज फर्स्ट अपेरेंट इन द, सेगमेंटेशन सबसे पहला किसमें दिखाई दिया है? जैसे जैसे ग्रोथ हुआ है मतलब ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ है, तो सबसे पहला सेगमेंटेशन हमें एनिलिडा में दिखाई दिया है, तब आगे और दिखाई देने लगा। तो सेगमेंटेशन फर्स्ट अपेरेंट इन द एनिलिडा। ऑस्फेरेडियम एड्स इन, तो ऑस्फेरेडियम का वर्क क्या है? तो सिलेक्टिंग मतलब सिलेक्शन ऑफ फूड। अगर जैसा कि हमने देखा कि मोलस्का में ऑस्फेरेडियम पाया जाता है, अगर कोई केमिकल उसको पसंद होता है तो वह उस तरफ चले जाता है, अगर पसंद नहीं होता तो वह उधर से हटने लगता है। तो ये सिलेक्शन ऑफ फूड का वर्क करता है ऑस्फेरेडियम। तो वही बात यहाँ पर है कि ऑस्फेरेडियम एक्ट्स इन सिलेक्शन ऑफ फूड। टंग वॉर्म इज द नेम ऑफ, टंग वॉर्म नेम किसमें यह होता है? तो ब्लैनोग्लोसस में टंग वॉर्म होता है, मतलब एक तरीके से अगर इसका फिगर भी देखेंगे तो कीड़ा की तरह दिखाई देगा, मतलब जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं और वो शायद दिखाई देता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख ही रहे हैं कि टॉन्ग वॉर्म यानी कि जीभ की तरह भी दिखाई दे रहा है, और थोड़ा वॉर्म की तरह भी ये पिक्चर सब दिखाई दे रहा है, तो इसी को टॉन्ग वॉर्म कहते हैं ब्लैनोग्लोसस का। तो टंग वर्म इज द नेम ऑफ ब्लैनोग्लोसस, तो इस तरीके से याद रखना है हम लोग को। नेफ्रिटियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो नेफ्रिटिया कहाँ से आता है? जो पाया जाता है अर्थ वॉर्म में, तो ये आता है इक्टोडर्मल सेल से। नेफ्रिटिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो याद रखना है ओरिजिनेट होता है इक्टोडर्मल सेल से। नेफ्रिटियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम इक्टोडर्मल सेल, तो इस तरीके से याद रखना है। ग्रीन ग्लैंड्स आर, ग्रीन ग्लैंड्स ये एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है मोलस्का, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गेन ग्रीन ग्लैंड्स है वो। ग्रीन ग्लैंड्स अकर्स होता है ऑर्थ्रोपोडा का, ये मेन कैरेक्टर है, तो ये उसमें एक्सक्रीशन का वर्क करता है। तो किसी भी तरीका से पूछ सकता है कि ग्रीन ग्लैंड का वर्क क्या है, या ग्रीन ग्लैंड अकर्स इन, तो इस तरीके से ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाई एनिमल्स दैट हैव अ सेगमेंटेड बॉडी, तो ये मतलब ऐसा कौन है जिसमें सेगमेंटेड बॉडी वो है? तो इसमें प्लेटी हेलमेंट्स में भी सेगमेंटेड बॉडी माना जाता है कि पाया जाता है, प्लेटी हेलमेंट्स जितना भी है सभी में। सॉरी, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कैरेक्टराइज्ड बाय एनिमल्स दैट हैव अ सेगमेंटेड बॉडी, तो निडेरिया, प्लेटी हेलमेंट्स, पॉरीफेरा, ऑर्थ्रोपोडा। तो ये
पेलेटी हेलमेंस में नहीं पाया जाता है, बल्कि सेगमेंटेड बॉडी पाया जाता है ऑर्थ्रोपोडा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थ्रोपोडा एनिलिडा। एनिलिडा से जितने भी आगे वाला फाइलम है सभी में सेगमेंटेड बॉडी पाया जाता है। तो इसका बी नहीं होगा, आंसर डी होना चाहिए। तो वही है, कैरेक्टराइज्ड बाय एनिमल्स दैट हैव अ सेगमेंटेड बॉडी, तो अर्थ्रोपोडा हो जाएगा। जैसे अर्थ्रोपोडा का यहाँ पर देख सकते हैं, जितना भी सारा एग्जाम्पल है सभी में अलग अलग तरह का सेगमेंटेड बॉडी हमें दिखाई देता है। तो ये सब अर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल और सभी में सेगमेंटेड बॉडी देख ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कि मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप आर नॉट ड्यूट्रोस्टोम। ड्यूट्रोस्टोम किसमें ये नहीं पाया जाता है, तो इसमें नॉन ऑफ दी ऑल आर ड्यूट्रोस्टोम्स, तो कॉर्डेट्स, इकाइनोडर्म्स, आर्थ्रोपोड्स, नॉन ऑफ दिज ऑल आर ड्यूटे मतलब ड्यूटरस्टोम्स। तो यहाँ पर बोला है नॉट ड्यूटरस्टोम्स, तो सभी ड्यूट्रोस्टोम्स है इसमें, जितने भी देख रहे हैं वो सभी ड्यूट्रोस्टोम्स में आते हैं। यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंबर ऑफ विच ग्रुप आर, यहाँ पर तो क्वेश्चन है कि नोट ड्यूटर मतलब ड्यूट्रोस्टोम, ड्यूटरस्टोम्स, तो इसमें से कौन है, कौन, तो इसमें से कोई भी नहीं है। ड्यूट्रोस्टोम्स का मतलब होता है कि पहले एनस बनता है तब माउथ बनता है, तो उसी को ड्यूटरस्टोम कहते हैं। तो यहाँ बोला नोट ड्यूटरस्टोम, तो ऑल आर ड्यूट्रोस्टोम्स है ये, चाहे कॉर्डाटा हो, चाहे इकाइनोडर्म है, चाहे ऑर्थ्रोपोड्स हो, इसमें पहले बनता है एनस तब माउथ बनता है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल रखना। और एक आता है प्रोटोस्टोम्स, तो प्रोटोस्टोम्स का मतलब होता है पहले माउथ बनना तब एनस का फॉर्मेशन होना। तो ये याद रखना, एनस पहले बनता है और माउथ बाद में बनता है, तो वो कहलाता है ड्यूटरस्टोम्स। तो यहाँ पर सभी ड्यूटरस्टोम्स है, सभी में पहले एनस का फॉर्मेशन होता है, कॉर्डेट्स, इकाइनोडर्म्स, आर्थ्रोपोड्स। तो हम लोग भी यहाँ पर ये आ गए, कॉर्डेट्स में हम लोग आते हैं, तो इस तरीके से ये हो गया। अब फिर यहाँ पर है कि द वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ, द वाटर वास्कुलर सिस्टम्स ऑफ इकाइनोडर्म्स, तो यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूट्रिएंट्स टू दी बॉडी सेल। क्वेश्चन का मतलब है कि वाटर वास्कुलर इकाइनोडर्म्स में इसमें से कौन दर्शा रहा है, मतलब सही है, तो फंक्शन एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी सेल्स, या फंक्शन इन लोकोमोशन, फीडिंग एंड गैस एक्सचेंज। तो इसका वर्क यही है, वाटर वास्कुलर तो खास कैरेक्टर है इकाइनोडर्माटा का, जो कि लोकोमोशन में भी मदद करता है, भोजन में भी मदद करता है, और साथ में गैस को एक्सचेंज करने में मदद करता है, मतलब ये रिस्पायरेशन का भी वर्क कर लेता है वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्माटा में। तो ये पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है। ये एक शॉर्ट नोट्स में ही क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्माटा को आप इसको इस पर नोट्स लिखिए, तो उसको लिख सकते हैं 8-10 पेज में, मतलब 8-10 लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेगमेंटेशन वाज फर्स्ट एफेरेंट इन द, सेगमेंटेशन सबसे पहले कहाँ आया ये बात पता है कि एनलिडा में पाया जाता है सेगमेंटेशन। तो यहाँ से भी आंसर पता चल रहा है कि उस समय जो दिया था सेगमेंटेशन कैरेक्टराइज्ड और आंसर दिया था प्लेटी हेलमेंट्स, तो प्लेटी हेलमेंट्स में तो ये फ्लैट फॉर्म आता है, तो यहाँ पर यही तो आंसर रहना चाहिए। तो ये नहीं दिया, मतलब वो क्वेश्चन वहाँ पर जो क्वेश्चन का लिखा था ऑप्शन में मतलब प्लेटी हेलमेंट से आंसर, तो वो गलत था, तो आंसर एनिलिडा होगा, तो ये सही है। अब फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलिप स्टेज इन ऑफ बोवेरिया कॉलोनी इज इनकरेक्ट। तो पॉलिप जो स्टेज आता है उसमें से कौन सा बात यहाँ पर गलत है, तो नंबर ऑफ टेंटिकल्स आर यूजुअली 24, तो ये सही होता है पॉलिप स्टेज में। और फिर है कि हीलियम इज प्रेजेंट, तो ये गलत है, सेंस ऑर्गेन आर अब्सेंट, मेसोगिलिया पुअरली डेवलप्ड। तो पॉलिप स्टेज के बारे में पता होना चाहिए, और मेडुसा स्टेज, दो तरीके के स्टेज होता है और इसी से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है ओवेलिया में। तो ऐसा यहाँ पर पॉलिप स्टेज जब होता है तो ये सब करेक्टर दिखाई देता है, 24 टेंटिकल्स होता है, सेंस ऑर्गेन अब्सेंट होता है, मेसोगिलिया बहुत ही मुश्किल से डेवलप होता है, तो ये इसमें से हीलियम ये प्रेजेंट के बात है, तो ये गलत है।
विच टाइप ऑफ सेल्स इन स्काइफा प्रोड्यूस द स्पर्म्स एंड द ओवा, तो कौन से सेल ये डेवलप करता है? तो आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स डेवलप करता है ये स्पर्म एंड ओवा को, इसी को आर्कियोसाइट्स को ही टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। तो जिसमें स्पर्म एंड ओवा ये मतलब यहाँ पर बनता है, स्काइफा मतलब जानते हैं कि ये स्पॉन्ज मतलब पॉलीफेरा का है। द नेक ऑफ टेप वर्म इज ऑल्सो टर्म एज, तो जब हम पढ़ेंगे टिनिया सोलियम के बारे में तो वहाँ पर टेप वर्म उसी को कहते हैं, तो उसमें नेक को हम ये भी नाम से कहते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का एरिया वो होता है टेप वर्म नेक का होता है, जैसा कि यहाँ पर भी हम देख ही लेते उसका पिक्चर। तो जैसा कि यहाँ पर देख ही रहे कि एरिया ऑफ सेगमेंटेशन नेक रीजन में पाया जाता है, इस तरीके से जो नेक रीजन रहता है वहीं से वह बढ़ते बढ़ते इसमें बहुत सेगमेंटेशन हो जाता है, लगभग 100 से भी उसी के आसपास सेगमेंटेशन हो जाता है। तो ये नेक रीजन देख रहे हैं टेप वर्म का, तो वही है कि सेगमेंटेशन, यहाँ पर सेगमेंटेशन के बारे में कि जो नेक ऑफ टेप वर्म इज ऑल्सो टर्म है, उसी को एरिया ऑफ सेगमेंटेशन टर्म नाम से दर्शाते हैं। फिर है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस इज डेवलप्ड, तो वह कौन से स्टेज में इन्फेक्ट होने लायक वह बन जाता है? तो ए में मतलब यहाँ पर इनसाइड द होस्ट्स इंटेस्टाइन, तो जो होस्ट्स के इंटेस्टाइन में जैसे ही वह जाता है तो इन्फेक्ट करने लगता है, मतलब ख़राब करने लगता है एस्केरिस। इसका होस्ट तो हम ही लोग है, और जैसे यह एस्केरिस आता है कोई भी मतलब वर्टिब्रेट वाला एनिमल्स में, तो वही नुकसान इन्फेक्ट करने लगता है। तो इनसाइड द होस्ट्स इंटेस्टाइन में यह इन्फेक्टिव स्टेज होता है एस्केरिस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लार्वा इज लार्वल स्टेज इज एक्चुअली, मतलब जेवेनील ब्लूक, तो यहाँ पर रेडिया आंसर ध्यान में रखेंगे, जेवेनील ब्लूक लार्वल स्टेज ये होता है रेडिया में, रेडिया लार्वा में। तो इस तरीके से याद रखना है, रेडिया लार्वा में जेवेनील ब्लूक होता है। तो इस तरीके से जो नया नया तरह का क्वेश्चन लगे उसको लिख भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। द फंक्शन ऑफ मैगजीला ऑफ प्रॉन इज, मैगजीला प्रॉन में होता है तो इसका क्या फंक्शन होता है? मैनिपुलेशन ऑफ फूड, मतलब जो उसका फूड होता है उसको आराम से जमा करने में इसका वर्क होता है, मैनिपुलेशन ऑफ फूड वर्क होता है प्रॉन में जो मैगजीला पाया जाता है। तो यहाँ पर यही है कि फंक्शन ऑफ मैगजीला ऑफ प्रॉन मैनिपुलेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को सही तरीके से वो अपने पास में लाना, तो इस तरीके से मैगजीला का वर्क होता है प्रॉन में। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ टेस्टिस सैक्स आर यूजुअली फाउंड इन हिरुडिनेरिया, तो ये याद रखना है कि उसमें 11 पेयर टेस्टिस सैक्स पाए जाते हैं, हिरुडिनेरिया में 11 तरह का ये पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमीडिएटली बिलो द एपिडर्मिस ऑफ बॉडी फॉल इन ब्लैनोग्लोसस इज द, तो एकदम एपिडर्मिस मतलब जैसे ब्लैनोग्लोसस का एपिडर्मिस के नीचे कौन सा ऑर्गन पाया जाता है? तो ये नर्वस लेयर पाया जाता है एपिडर्मिस के नीचे ही देखेंगे तो ब्लैनोग्लोसस में नर्वस पाया जाता है, नर्वस वाला लेयर पाया जाता है। तो ये याद रखना है हम लोगों को कि ऊपर एपिडर्मिस और उसी के जस्ट नीचे जो होता है नर्वस लेयर पाया जाता है ब्लैनोग्लोसस में। उसके बाद है नुचल या नुचल ऑर्गन्स आर, ये कौन से ऑर्गेन है? ए यानी कि टेक्टाइल ऑर्गेन ये होते हैं नुचल ऑर्गेन, या इसको अदर तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, तो इस तरीके के ऑर्गेन पाया जाता है टेक्टाइल ऑर्गेन्स ये है, और नुचल ऑर्गेन पाया जाता है ये अधिकतर तो कैरेक्टर इसी का है एनिलीडा का है, ये टेक्टाइल ऑर्गेन होता है। टेक्टाइल ऑर्गेन का ही मतलब क्या होगा, जैसे उसको लाइट और फूड को डिटेक्ट करना, तो वही टेक्टाइल ऑर्गेन होता है। तो इसी के द्वारा वह समझ जाता है कि वहाँ लाइट है, इसलिए वो लाइट से डरता है मतलब जो केचुआ होता है वो, और उसके बाद फूड को डिटेक्ट करने के लिए उसमें नुचल ऑर्गेन पाया जाता है अर्थ वर्म में ही। फिर है कि स्लाइम ग्लैंड्स आर फाउंड इन लीच इन, तो स्लाइम ग्लैंड्स लीच में पाया जाता है कहाँ पर? तो डर्मिस में पाया जाता है, स्लाइम ग्लैंड्स डर्मिस में पाया जाता है, और उसी
डर्मिस के द्वारा वह स्लाइम ग्लैंड्स को सिक्रीट करता है और चिपकने में वो मतलब कहीं कहीं पर वो चला जाता है चिपक कर। तो स्लाइम ग्लैंड्स आर फाउंड इन लीच इन, तो वह डर्मिस में पाया जाता है। तो याद रखना है हम लोग को, डर्मिस में स्लाइम ग्लैंड्स पाया जाता है। ऑस्फेरेडियम एड्स इन, तो ये तो पहले भी जान चुके, सिलेक्शन ऑफ फूड में मदद करता है ऑस्फेरेडियम। उसके बाद है प्रोसोफाइल्स इन साइकन्स आर, तो प्रोसोफाइल साइकन में जो होता है वह इन करेंट कैनाल्स कम्युनिकेटिंग दी रेडियल कैनाल, तो जो इन करेंट कैनाल होता है जैसा कि हम फिगर में देखेंगे अभी। तो इस तरह के बॉडी देखते हैं, जैसे हम जानते हैं कि इस तरीके के कोई भी स्पॉन्ज मतलब पॉरीफेरा तो इस तरीके के बॉडी होता है, इसमें पोर्स होते हैं इस तरीके से निकले हुए, ये पोर है प्रोसोफाइल हम देख रहे हैं। और जैसे ही वाटर इस तरीका से इसमें अंदर प्रवेश करता है मतलब एंट्री करता है वाटर, तो यह इस तरीके के कैनाल जो देख रहे हैं इसको रेडियल कैनाल कहते हैं। ये रेडियल कैनाल के द्वारा वाटर आता है और ये कहाँ खुलता है, कम्युनिकेटिंग द रेडियल कैनाल्स, तो इस तरीके के एक जो कैनाल होते हैं इसमें ये आता है और तब पानी इस तरीके से बाहर जाता है। तो ऐसे ही वर्क होता है जैसा कि इसमें भी देख रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है कि वाटर इंटर कर रहा है इसमें और देख सकते हैं रेडियल कैनाल्स में डायरेक्ट इससे बाहर जा रहा है। तो यही वर्क होता है मतलब इस तरीके से प्रोसोफाइल्स होते हैं साइकन में। फिर है कि ऑल टेट्रामेटोड्स आर, जितने भी सारे टेट्रामेटोड्स होते हैं वो क्या होते हैं मतलब पारासिटिक होते हैं। ऑल टेट्रामेटोड्स आर पारासिटिक, वो पारासिटिक यानी कि जानते होंगे कि दूसरे पर वह रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है और दूसरे को नुकसान भी करता है। तो ऑल टेट्रामेटोड्स आर, तो पारासिटिक ध्यान रखना है। और सिफेलोथोरैक्स इन स्कॉर्पियन इज एल्सो कॉल्ड एच, उसको हम प्रोजोमा कहते हैं प्रोसोमा। तो सिफेलोथोरैक्स इन स्कॉर्पियन इज एल्सो कॉल्ड एज प्रोसोमा, तो ये टर्म याद रखना है। ये सिलेबस में तो नहीं लेकिन ऑब्जेक्टिव वो कहीं से भी पूछ देता है तो इसलिए ये सब याद रखना है। सिफेलोथोरैक्स इन स्कॉर्पियन इज एल्सो कॉल्ड एज, तो प्रोसोमा हमें टर्म याद रखना है स्कॉर्पियन का जो होता है ये भाग मतलब सिफेलोथोरैक्स का। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इस टर्म को, यहाँ पर सिफेलोथोरैक्स देख रहे हैं और ये सिफेलोथोरैक्स को हम प्रोजोमा कहते हैं जो कि यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो बस यही टर्म याद रखना है, सिफेलोथोरैक्स जो पाया जाता है स्कॉर्पियन में उसको हम प्रोसोमा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि वो इस पेज में अब देखेंगे इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट गोनैड्स फॉर्म अ नेटवर्क, यानी कि गोनैड्स एक नेटवर्क की तरह बना लेता है। तो किस में, ऐसा स्कॉर्पियन में देखा देखने को मिलता है कि गोनेट्स जो होता है वह आराम से एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये टर्म याद रखना है, गोनेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, तो ये स्कॉर्पियन। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंस ऑर्गेन ऑफ एस्केरिस आर रिप्रेजेंटेड बाय, सेंस ऑर्गेन एस्केरिस का रिप्रेजेंटेड कौन कौन होता है सेंस ऑर्गेन। द पैपिला ऑन द लिप्स, जो पैपिला होते हैं लिप्स मतलब लिप्स का जो पैपिला होते हैं एस्केरिस में वो भी सेंस ऑर्गेन की तरह काम करता है। फिर है कि द पैपिला इन द पोस्टेरियर रीजन ऑफ मेल, पोस्टेरियर रीजन मेल का होता है वो भी होता है सेंस ऑर्गेन। फिर है द एम्फिट्स ऑन द लैटरो वेंट्रल लिप्स, तो यहाँ पर सभी में एम्फिट्स ऑन द लैटरो वेंट्रल लिप्स, जैसा कि यहाँ पर देख ही सकते हैं कि इसी तरीका के होता है। लैटरो वेंट्रल लिप्स जो होता है वो भी एक तरीके से वर्क करता है सेंस ऑर्गेन का एस्केरिस में। तो ये तीनों याद रखना है। उसके बाद पॉलिप इज द, तो पॉलिप क्या है, न्यूट्रिटिव जुआइड ऑफ द कॉलोनी, तो पॉलिप न्यूट्रिटिव जुआइड ऑफ द कॉलोनी है, तो पॉलिप इज द, तो वही याद रखना है न्यूट्रिटिव जुआइड ऑफ द कॉलोनी। ये बात तो हम जानते होंगे कि ये क्या किस में पाया जाता है, पॉलीपाइन मेडूसा, तो ये पाया जाता है ये पॉलिप इज द ऑफेंसिव एंड मतलब ये न्यूट्रिटिव जॉइंट ऑफ द कॉलोनी होता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर को, यहाँ पर पॉलिप और मेडूसा का स्ट्रक्चर आसानी से देख सकते हैं हम लोग। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेडिंग ऑफ ग्रेफिट प्रोग्लोटिड इज टर्म्ड एज, तो शेडिंग ऑफ ग्रेफिट प्रोग्लोटिड पाया जाता है टिनिया सोलिया में या जिसको टेप वॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि
यहाँ इसका मतलब क्या है कि शेडिंग जो होता है वह टर्म उसको क्या कहते हैं, तो इसको एपोलाइसिस कहते हैं। ग्रेविट प्रोग्लैटिड एक्टिनिया सोडियम या टेप वर्म का एक ऊपर वाला भाग होता है उसी पर शेडिंग होता है, तो उसी शेडिंग को हम एपोलाइसिस कहते हैं, और उसी शेडिंग के दौरान वह ग्रोथ होते रहता है पूरा अपना, मतलब वो बढ़ते रहता है, उसका सेगमेंटेड जो होता है। एक्सक्लूसिवली मेराइन मोलस्क्स आर, तो यहाँ पर भी हो गया गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड्स वो है जो कि केवल उसका खास कैरेक्टर मेराइन में ही पाया जाने वाला है, तो वो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं। मेराइन के अलावा कहीं कोई भी अदर तरह के वाटर में नहीं पाया जाता है, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। एक्सक्लूसिव मेराइन मोलस्क्स आर। फिर है एसी कुलम इज नेरिस सर्व्ड एज, तो एसी कुलम नेरिस में क्या वर्क करता है, तो ए यानी कि इंडोस्केलेटन की वर्क करता है। तो एच केरिस का हम इंडोस्केलेटन थोड़ा देख भी लेते हैं, तो बस ऐसे ध्यान रखना है इंडोस्केलेटन ऐसा होता है, इसी को एसी कुलम कहते हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो एसी कुलम इज नेरिस सर्व्ड एज, तो ये इंडोस्केलेटन का वर्क करता है। पारापोडिया आर फाउंड इन, तो पारापोडिया देख सकते ये है, तो इसी को हम यहाँ पर कहते हैं, मतलब ये लोकोमोटरी ऑर्गेन होता है पारापोडिया। तो ये सब अपेंडेजिस टाइप का देख रहे हैं, यही कहलाता है पारापोडिया। तो इसी के बारे में कि यह नेरिस में पाया जाता है, तो इसलिए आंसर बी हो गया। नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन लीज, तो लीज में कितना सेगमेंट्स होता है, तो इसमें 33 है, तो सेगमेंट्स लीज में टोटल पाया जाता है 33, ये हमें ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। सेगमेंट्स इन लीज इज तो 33। हीमोसिलोमिक चैनल या सिस्टम इन लीज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, कौन किसके द्वारा यह फंक्शन परफॉर्म होता है हीमोसिलोमिक सिस्टम या चैनल का, तो यह आसान है, ब्लड वेसल्स के द्वारा ही ये हीमोसिलोमिक चैनल का जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। ग्रीन ग्लैंड्स आर, तो ये पहले भी देख चुके हैं कि यह एक्सक्रीटिव ऑर्गेन है। पीला इज, तो पीला या पायला इसको कहते हैं, तो पीला पायला क्या है, तो बहुत एमोनोटेलिक एंड यूरोकोटेलिक यह है पायला, तो ये ध्यान रखना है, मतलब ये दोनों तरीके के, यानी कि एक्सक्रीटरी जो कर एक्सक्रीट करता है उसमें अमोनिया के भी कुछ क्वांटिटी होता है और कुछ क्वांटिटी यूरिक एसिड का भी होता है, तो ये क्योंकि पायला थोड़ा वाटर में भी रहता है और थोड़ा बाहर भी, तो इसलिए ये अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक दोनों कहलाता है। फिर है कि साइक्लोसिस इज क्या है, तो यह मूवमेंट ऑफ स्लो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ एंडोप्लाज्म, तो साइक्लोसिस टर्म ये होता है कहाँ पर, तो पैरामीशियम में ऐसा हमें दिखने को मिलता है, एंडोप्लाज्म का स्लो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ एंडोप्लाज्म, तो इसी को साइक्लोसिस कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है टर्म साइक्लोसिस क्या है, तो पैरामीशियम में जो एंडोप्लाज्म मूवमेंट होता है उसी को साइक्लोसिस कहते हैं। इंटामीबा हिस्टोलिटिका द प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटिड्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इंटामीबा हिस्टोलिटिका में क्रोमैटिड्स जो पाया जाता है वो उसके बारे में कि नेचर बायोन्यूक्लिएट स्टेज में वह क्रोमैटिड्स पाया जाता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है इंटामीबा हिस्टोलिटिका का। बायोन्यूक्लिएट स्टेज यहाँ पर भी देख सकते हैं इंटामीबा हिस्टोलिटिका में, जब ये लाइफ साइकिल के चक्कर में ये रहता है, तो यहाँ पर क्रोमैटिड बॉडीज देख रहे हैं, ये क्रोमैटिड बॉडीज किस तरीके के हैं वो, और इसी के कारण यहाँ पर बायोन्यूक्लिएट स्टेज आता है, तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ कि इन इंटामीबा हिस्टोलिटिका द प्रेजेंस ऑफ क्रोमैटिड्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका यहाँ पर मेचर, मतलब बायोन्यूक्लिएट स्टेज। व्हाट इज लेफ्ट व्हेन बोथ स्पॉन्ज ड्राइज अप, जब दोनों तरह का स्पॉन्ज यानी पॉलीफेरा का जब सूख जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर स्पॉन्जिन फाइबर बनता है जो कि इंडोस्केलेटन की तरह वर्क होता है करता है, मतलब उसमें तो इंडोस्केलेटन नहीं होता है फिर भी स्पॉन्जिन फाइबर बच जाता है जब दोनों, जब हर तरह का स्पॉन्ज जब सूख जाते हैं तो स्पॉन्जिन फॉर्म होता है, तो ये ध्यान हमें रखना है। फिर है कि एम्बू लैक्रल ग्रुप एब्सेंट इन द लिविंग फॉर्म ऑफ द क्लास, एम्बी मतलब एम्बू लुकरल ग्रैप्स एब्सेंट कौन क्लास में होता है, तो यह एस्टेरॉइडिया क्लास में यह एब्सेंट होता है एम्बू लैक्रल ग्रुप्स।
तो बस ये याद रखना है, बुलैकरल ग्रुप्स आर अब्सेंट इन द लिविंग फॉर्म ऑफ द क्लास। तो ये एक कैरेक्टर होता है इकाइनोडर्माटा का, तो सी यानी कि एस्टीरोइडिया में यह नहीं पाया जाता। जैसा कि एम्बुलेक्रल ग्रुप्स देख सकते हैं, इकाइनोडर्माटा का जितना क्लास है सभी में लगभग पाया जाता है, लेकिन एस्टीरोइडिया में यह इस तरीके का नहीं पाया जाता। देख सकते हैं ये इकाइनोडर्माटा, ये तो देख ही रहे हैं। और यहाँ पर एम्बुलेक्रल के बारे में कि द एम्बुलेक्रम रन्स फ्रॉम द माउथ टू द टिप ऑफ आर्म्स। देख सकते हैं इसका माउथ पार्ट बीच में है और ये माउथ से लेकर ये आर्म तक इसके पूरे जाता, टिप ऑफ आर्म तक। तो यही है, इसमें एम्बुलेक्रल ग्रुप्स ऐसा होता है, लेकिन एस्टीरोइडिया क्लास में यह ऐसा नहीं पाया जाता है। तो यही यहाँ पर है। फिर अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पर एडल्ट ऑफ वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी अटैक्स, जो एडल्ट हो जाता है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वो किस पर अटैक करता है? तो लिम्फ वेसल्स पर वे अटैक करता है, एडल्ट वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। जैसा कि फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये एडल्ट होता है तो इस तरीके से दिखाई देता है, और ये हमारे लिम्फ जो वेसल्स होते हैं उस जगह पर ये अटैक करता है। तो इसका आंसर डी हो गया। इमोर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ हैज़ बीन सैड फॉर, तो इमोर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ, तो सैड फॉर ये किसके लिए कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्पॉन्जेस के लिए। तो इस बारे में समझते, तो ये क्वेश्चन तो देख ही रहे आंसर क्या होगा। इमोर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ्स हैज़ बीन सैड फॉर, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है डी। लेकिन जब इसको मैंने गूगल पर सर्च किया तो वहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। द ग्रेट पावर, हमने सर्च किया इमोर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ, तो यहाँ पर आया था ग्रेट पावर्स ऑफ रीजनरेशन शोन बाय फ्रेश वाटर प्लेनेरियंस कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग अ कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी टीनी बॉडी फ्रेगमेंट्स अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट थ्रू आउट हिस्ट्री। इन 1814 डेलेल कंक्लूड दैट प्लेनेरियंस कूड एलमोस्ट बी कॉल्ड एज इमोर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ। तो प्लेनेरियंस यहाँ पर आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया आंसर डी। तो यहाँ पर ये स्पॉन्ज नहीं होगा बल्कि प्लेनेरियंस होगा। तो यही है, इमोर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ हैज बीन सेट फॉर प्लेनेरियंस, आंसर याद रखना है। फिर है कि माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई आर, तो माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई का कैसा होता है? स्पॉन्जिंग एंड सकिंग टाइप का होता है। तो इस तरीके का माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई आर स्पॉन्जिंग एंड सकिंग टाइप। टंग वॉर्म किसका नाम है? ब्लेनोग्लोसस का, तो जान ही चुके हैं। रिस्पायरेटरी ट्री इज फाउंड इन, रिस्पायरेटरी ट्री पाया जाता है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ओबेलिया में भी पाया जाता है, होलोथुरिया में भी और प्लानोला में भी। रिस्पायरेटरी ट्री यानी कि मतलब रिस्पायरेटरी ऑर्गेन एक ऐसा ब्रांचेस बन जाता है ओबेलिया प्लानोला और होलोथुरिया में कि एक तरह से पेड़ की तरह दिखाई देने लगता है, इसीलिए ये रिस्पायरेटरी ट्री हम कहते हैं। हेटेरोनेरिस इज, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि सेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस होता है। हेटेरोनेरिस इज सेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस। फिर है गॉलचिडियम या गॉलकिडियम लार्वा ऑफ यूनियो इज, तो यह इक्टोपैरासाइट ऑन फिश होता है। गॉलचिडियम या गॉलकिडियम लार्वा ऑफ यूनियो इज, यूनियो का लार्वा का नाम है गॉलकिडियम। तो ये इक्टोपैरासाइट होते हैं फिश पर, यानी कि बाहर से यह पैरासाइटिक होते हैं और उसी फिश पर रहकर अपना भोजन को वह खाते हैं, गॉलकिडियम लार्वा। तो ऐसा कभी ना कभी देखे होंगे गॉलकिडियम लार्वा इस तरीके के फिश पर होता, देख सकते हैं ये सब फिश है और गॉलकिडियम लार्वा इसी पर अटैक करके अपना भोजन को प्राप्त करते रहता है, देख ही सकते ये। तो बस यही है, गॉलकिडियम लार्वा ये इक्टोपैरासाइट ऑन फिश होते हैं। ऑस्फेरेडियम इज, मतलब ऑस्फेरेडियम इज ऑर्गेन ऑफ मोलस्क मेंट फॉर, ये किस लिए होता है? तो स्मेल के लिए, मतलब टेक्टाइल ऑर्गेन तो होता है हम समझ ही चुके हैं, स्मेल में मतलब स्मेल के लिए होता है ऑस्फेरेडियम। ऑस्फेरेडियम इज ऑर्गेन ऑफ मोलस्क मेंट फॉर स्मेल। और फिर ऑर्गेन ऑफ बोजानस आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ, तो ये मोलस्का का है, ऑर्गन्स ऑफ बोजानस आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ मोलस्का।
तो यहाँ पर एक टर्म आया है बोजानस। बोजानस से एक टर्म है जो साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा, क्योंकि ये ही चीज़ मतलब ऑर्गेन ऑफ एक सिक्रेटरी ऑर्गेन खोजा गया है इसके द्वारा, बोजानस साइंटिस्ट के द्वारा मोलस्का में, इसीलिए ऑर्गेन ऑफ बोजानस आ एक्सक्रीटी ऑर्गेन ऑफ तो मोलस्का। तो इस तरीके से बोजानस के द्वारा खोजा गया है एक्सक्रीटी ऑर्गेन मोलस्का में, तो इसलिए ऑर्गेन ऑफ बोजानस नाम दिया गया। हाइड्रेंथ इज, तो ए यहाँ पर पॉलिप ऑफ ओवेलिया होता है, हाइड्रेंथ इज पॉलिप ऑफ ओवेलिया। तो हम ये बात क्लास 11 से ही जानते होंगे कि जो पाया जाता है मतलब हाइड्रेंथ, पॉलिप और मेडूसा के बारे में 11 से जान रहे होंगे कि हाइड्रेंथ इज, तो ये पॉलिप ऑफ मेडूसा होता है। और इस तरीके के मतलब ओबेलिया का जो पॉलिप वाला भाग होता है उसी को हाइड्रेंथ कहते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर मेडूस हाइड्रेंथ कौन वाला भाग कहते हैं, तो ये वाला भाग को मेडूसा कहते हैं, देख ही रहे होंगे इसमें डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो इस वाला भाग को हाइड्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर जूम नहीं होता लेकिन देख लिए होंगे, तो इसी को हाइड्रेंथ कहते हैं। और एक और होता है गोनेनजियम, गोनेनजियम जिसको भी कह सकते हैं, तो वो भाग होता है मेडूसा, मेडूसा ऑफ ओवेलिया इज कॉल्ड, उसको हम ये नाम गोनेनजियम कहते हैं, GONANGIUM। तो ये दोनों याद रखना, मेडूसा ऑफ ओवेलिया कहते हैं गोनेनजियम और पॉलिप ऑफ ओवेलिया कहते हैं हाइड्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोम ऑफ एस्केरिस इज, वो पहले जान सिलोम ऑफ एस्केरिस, वह एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, सिलोम ऑफ एस्केरिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, तो उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है। लोकोमोशन इन टेप वर्म्स टेक प्लेस बाय, लोकोमोशन इन टेप वर्म, टेप वर्म जानते ही हैं उसमें लोकोमोशन यहाँ पर अब्सेंट होता है, तो टेप वर्म में लोकोमोशन अब्सेंट होता है। तो इस तरीके से यहाँ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी पोर इन फैसियोला, एक्सक्रीटरी पोर एक होता है, नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी पोर इन फैसियोला हिपेटिका में एक होता है, एक्सक्रीटरी पोर इन फैसियोला हिपोटेका। तो अब इसी को डायग्राम में भी देख सकते हैं, हम जानते हैं कि अधिकतर में बैक साइड यानी कि पोस्टेरियर साइड प्रजेंट होता है, देख सकते हैं एक्सक्रीटरी पोर, इसलिए कहा जाता है। अगर डायग्राम अगर आपको ध्यान में है तो बहुत सारा जितना भी देखे हैं, अगर बात करें अगर हर 15 क्वेश्चन में से 11-12 क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड होता है, तो देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस डायग्राम का, तो इसलिए वो याद रहेगा तो हो ही जाएगा। एनस इज फाउंड इन, एनस किस में होता है, तो एस्केरिस फीमेल, एस्केरिस फीमेल में एनस पाया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, एस्केरिस फीमेल में एनस पाया जाता है, फीमेल में तो याद रखना है एस्केरिस फीमेल में एनस पाया जाता है। अब वन ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्ज कोरिस्पॉन्ड्स टू एनस इन वर्टिब्रेट, मतलब वर्टिब्रेट यहाँ पर है कि स्पॉन्ज कोरिस्पॉन्ड्स टू एनस इन वर्टिब्रेट, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऑस्कुलम। तो ये क्वेश्चन बात करें तो वर्टिब्रेट के जैसा होता है ऑस्कुलम में, मतलब टेंटाकुलोसाइट्स इन ओवेलिया आर यूज्ड इन, तो ये बैलेंसिंग ऑर्गेन का काम करता है टेंटाकुलेट, यानी कि टेंटिकल्स सब पाया जाता है, तो वो बैलेंसिंग का वर्क करता है ओवेलिया में, तो इसको हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पर भी देख सकते हैं टेंटाकुलोसाइट्स जो यहाँ पर है वो पाया जाता है बैलेंसिंग का वर्क करता है, ये सब टेंटिकल्स है तो ये वर्क काम करता है बैलेंसिंग का। और ऊपर वाला क्वेश्चन को समझा देते हैं फिर से कि वन ऑफ द फॉलोइंग इन स्पॉन्ज, मतलब स्पॉन्ज में ऐसा क्या, वर्टिब्रेट में एनस पाया जाता है हम सब जानते हैं, तो वर्टिब्रेस में एनस के जैसा स्पॉन्ज में वो कौन सा ऑर्गेन काम करता है, तो ऑस्कुलम काम करता है, तो ऑस्कुलम स्पॉन्ज में देखे होंगे कैसा होता है, तो ये पहले भी हम जान चुके, देख सकते हैं ऑस्कुलम कहीं से भी कोई चीज़ आता है वाटर इंटर करता है तो ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो इसलिए ऑस्कुलम में जो ऑस्कुलम जो वर्क करता है स्पॉन्ज में उसी तरीका से एनस हम लोग का वर्क करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंटामीबा इन्फेक्शन अकर्स बाय, तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स,
मतलब जो गंदे फूड एंड ड्रिंक्स होते हैं वो सब हमें मतलब दूषित फल मतलब दूषित भोजन और दूषित वाटर पीने से हमें ये इंटरमीबा इन्फेक्शन होता है इसी के वजह से। इसलिए हमेशा अगर कभी भी भोज भी खाना चाहिए जो जिसको हम लोग कहते हैं मतलब स्टैंडर्ड खाना, वो मतलब बर्तन भी साफ से अच्छे से नहीं धोते और उसी में हम लोग खा लेते, उस तरीका से अगर खाना खाएंगे तो उसी से अधिकतर ये इन्फेक्शन होता है, तो इसलिए उससे हमें बचना चाहिए। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये लास्ट पेज है कि सिलिएटेड ऑर्गेन इन लीच, सिलिएटेड ऑर्गेन लीच में क्या होता है, तो मैं कनेक्टेड एंड सस्पेंडेड इन टेस्टिस सैक। लीच में ये ध्यान रखना है कि कनेक्टेड एंड सस्पेंडेड इन टेस्टिस सैक, तो लीच में सिलिएटेड ऑर्गेन होता है। फिर है कि स्नेल इज, स्नेल बी यानी कि यह हर्बी बोरस होता है, स्नेल जो घोंघा होता है वो हर्बी बोरस होता है, जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं स्नेल वहीं पर है जहाँ पर घास दूभी ये सब होता है, उस जगह पर यह रहना पसंद करता है, तो स्नेल ये है हर्बी बोरस। फिर नेक्स्ट है कि नेम द केमो रिसेप्टर फाउंड इन पीला, ये देख चुके हैं ऑस्फेरेडियम होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरस, विविपेरस इसमें से कौन है, तो ए यानी कि उचेरेडिया है। विविपेरस का ही मतलब होता है जो अपने जैसा डायरेक्ट वह अपने संतान को दे दे, मतलब वो विविपेरस होता है, तो उचेरेडिया ही होता है। और लिप्स ऑफ एस्केरिस आर, तो लिप्स ऑफ एस्केरिस डेंट्रिकुलेट होता है, लिप्स ऑफ एस्केरिस आर डेंट्रिकुलेट, तो ध्यान रखना लिप्स ऑफ एस्केरिस या डेंट्रिकुलेट होता है, यानी कि दांत भी उसमें पाया जाता है भले उतना मजबूत ना हो लेकिन डेंट्रिकुलेट होता है। बेलेनोग्लोसस लार्वा इज एल्सो मतलब कॉल्ड, तो बेलेनोग्लोसस के लार्वा को हम कहते हैं टोर्नेरिया लार्वा कहते हैं, बेलेनोग्लोसस लार्वा इज कॉल्ड टोर्नेरिया लार्वा। फिर है अमीबिक मतलब डिसेंट्री, अमोबिक या अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, तो ये पता है इंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है अमीबिक डिसेंट्री। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रजेंट इन, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रजेंट होता है केवल पैरामीशियम में। नीडोब्लास्ट एराइज फ्रॉम, तो मीजोगिलिया से नीडोब्लास्ट एराइज होते, तो ये भी याद रख करने वाला है कि नीडोब्लास्ट एराइज फ्रॉम मीजोगिलिया, नीडोब्लास्ट ऑर्गेन मीजोगिलिया से एराइज होता है। कोरल रीफ फॉर्मेशन इज मेनली रिलेटेड टू, कोरल रीफ फॉर्मेशन रिलेटेड किससे है, तो यह एंथोजोअन से रिलेटेड है, कोरल रीफ फॉर्मेशन मेनली रिलेटेड टू एंथोजोअन्स। तो एंथोजोअन और कोरल रीफ समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एंथोजोअन एकदम छोटे छोटे जीव होते हैं, शायद प्रोटोजोआ के या पॉरीफेरा का होता है, तो इस तरीके के हम छोटे छोटे देख सकते हैं। ये रिलेटेड किससे है, तो ये रिलेटेड है इससे, ये कोरल लीफ इसको कहते हैं, तो ऐसा ही जगह पर पाया जाता है। तो वही बात है कि कोरल लीफ इस फॉर्मेशन इज मेनली ड्यू टू, तो ये एंथोजोअन्स के कारण ही बनता है। न्यूट्रिटिव ज्वाइंट्स आर, ये भी देख चुके हैं पॉलिफ का, पॉलिफ ही है न्यूट्रिटिव ज्वाइंट्स जो कि पाया जाता है ओवेलिया में। और सिस्टिसेरस मतलब सिस्टी सर्कस इज द लार्वा ऑफ, सिस्टी सर्कस इज द लार्वा ऑफ, यह टेप वॉर्म का है, तो ये सभी का लार्वा ध्यान में रख लेना है पूरे का लार्वा, क्योंकि हमेशा एक ना एक पूछ ही लेता है। देयर इज ओनली अ सिंगल होस्ट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, तो एस्केरिस में केवल एक होता है मतलब वर्टिब्रेटी होता है एस्केरिस का, और सिस्टी सर्कस लार्वा ध्यान रखना है हम लोगों को, टेप वॉर्म का लार्वा का नाम सिस्टी सर्कस लार्वा है। उसके बाद है लोफलर्स सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, तो मतलब सिस्टोजोमा, सिस्टोजोमा में ही लोफलर्स सिंड्रोम पाया जाता है, तो एकदम बुक से गहराई से भी पूछ लेता है इधर उधर से, ये दो एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये सिस्टोजोमा ध्यान रखना है लोफलर्स सिंड्रोम। तो लोफलर्स सिंड्रोम एक तरीके के बीमारी है जो फेफड़ा में बुरा प्रभाव करता है, तो ये सिस्टोजोमा ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है।
वाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ पेरिटोनियम पोस्थुमा? तो प्रोस्टोमियम नाम देते हैं, उसी के बाद सेकेंड वाला को हम पेरिस्टोमियम कहते हैं। ए विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ध्यान रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अर्थवर्म प्ले अ रोल सिमिलर टू लीवर ऑफ अ वर्टिब्रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोगोगेन या गोजेन सेल्स। विच ऑफ द सेल्स इन अर्थवर्म प्ले अ रोल सिमिलर टू लीवर ऑफ वर्टिब्रेट? जैसा कि अर्थवर्म हम लोग वर्टिब्रेट है, तो हम लोग की लीवर जो वर्क करता है, लीवर का जो काम हम लोगों में होता है, तो अर्थवर्म में वो कौन काम करता है? तो वो क्लोरागोजेन सेल्स करता है। हेटेरोनेरिस इज, तो ये है प्लेस्ड इन क्लास हिरुडी, मतलब ए सेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस का है। हेटेरोनेरिस पहले भी जान चुके, ए सेक्सुअल एक तरीके से सेक्सुअल फेज होता है। द लार्वा ऑफ सकुलिना इज नोन एज, तो डी जिसको हम साइप्रस कहते थे, सकुलिना की लार्वा को हम साइप्रस कहते, तो ध्यान रखना लार्वा। अब इस तरीके की ये सब तो गेस क्वेश्चन 2022 में आने वाला है, तो ये सब आप लिख ही लिए होंगे, पेपर वन का ये, पेपर टू का ये है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें जिसको भी ज़रूरत हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी में से आएगा आप 2000 बनाइए क्वेश्चन 21 का कि कितना बनता है। सो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।